गुड इवनिंग एवरीवन, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? एम आई क्लियरली विजिबल ऑडिबल टू एवरीवन? एक बार बता दीजिए, बातचीत शुरू करें। चलिए, सब बढ़िया है, गुड। सो हम लोग अन एकेडमी आर्टिकुलेट पर, स्वागत है आप सबका। और हम लोग करंट अफेयर्स पर फोकस्ड क्लासेस को कर रहे हैं। एक सूचना कल भी आपको दी थी, फिर से दे दूं, क्योंकि कुछ नए नए बच्चे हर बार आ जाते हैं, उन तक सूचना पहुंचनी ज़रूरी है। अनएकेडमी ने कॉम्बो प्राइजेस को बहुत ही स्लैश कर दिया है। आपको 25% जीएस और ऑप्शनल के साथ मिलाकर एक साल की फ़ी अब 57,500 रुपये मात्र हो गई है। इसमें 10% और एडिशनल डिस्काउंट है अगर आप किसी एजुकेटर का रेफरल कोड यूज़ करते हैं। दो साल के कोर्स में 83,100 रुपये फीस हो गई है, एंड फॉर थ्री इयर्स इट इज़ 1,01,010 रुपीज़। सो गाइज, दिस इज़ रियली अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जिन लोगों को ज़रूरत हो, सहायता हो की ज़रूरत हो कि उनकी प्रिपरेशन को एक आधार मिले, तो वो डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हैं। और 13 जून को 10 बजे से 12 बजे तक देर इज़ अन एकेडमी सिविल सर्विसेज चैम्पियनशिप। ये इंडिया का लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, जिसमें क्वेश्चंस जो हैं वो टॉप एजुकेटर्स जो इंडिया के हैं उन्होंने बनाए हैं, और प्रीलिम्स के लिए भी उसमें काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट इनपुट्स मिलेंगे। अगर आप टॉप 50 रैंक्स लाते हैं तो आपको टॉप यूपीएससी मेंटर्स, जो कि सिविल सेवा में लंबे समय तक जिनका एक्सपीरियंस रहा है, वो लोग आपको नर्चर करेंगे, उनका पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिलेगा। तो ये सारे ऑफर्स हैं, इनको थोड़ा दिमाग में रखिएगा। मुद्दे पर आते हैं और प्रश्नों के सिलसिले को शुरू करते हैं। मैं चला जाता हूँ इस साइड, जिससे कि आपका क्वेश्चन, या इस साइड आपका क्वेश्चन इम्पीड ना हो। ठीक है, चलिए। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, AIF, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसको लेकर दो स्टेटमेंट्स हैं कि ये एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये एक पैन इंडिया सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। दूसरा स्टेटमेंट, इस स्कीम में 1,00,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू लोन्स के रूप में अलग अलग एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस को। और तीसरा स्टेटमेंट है कि जो लोन इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे वो पूरी तरह से इंटरेस्ट फ्री होंगे, ब्याज मुक्त होंगे। आपको इन तीन स्टेटमेंट्स में से सही कथन चुनने हैं। यू हैव टू मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट आपको मार्क करना है। युवराज ने बात शुरू करी है ए के साथ। ए का मतलब है कि पहला दूसरा कथन सही है, लेकिन ब्याज पूरी तरह से मुक्त होगा ये कथन सही नहीं है। और आंसर्स का मुझे इंतज़ार है। सिल्वर पेन भी ए कह रहे हैं, रोहित भी ए कह रहे हैं, आदित्य के पी इज सिंह सी, ओम प्रकाश ए, पूजा ए, अमित त्रिपाठी बी, नीरज भारद्वाज बी। ए और बी, कुछ लोगों को इसके पैन इंडिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम होने पे ऑब्जेक्शन है, कुछ लोगों को इसके इंटरेस्ट फ्री जो स्टेटमेंट कह रहा है वो इंटरेस्ट फ्री। युवराज उसमें डेटा भी दे रहे हैं कि 4% इंटरेस्ट है। चलिए, आंसर इसका ए ही है, ठीक है, यानी थर्ड स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट। क्या इसका पूरा डेवलपमेंट है उसको देखिएगा। एक नई एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये एक नई पैन इंडिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। स्कीम में बेसिकली मीडियम से लॉन्ग टर्म जो डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी है, मीडियम से लॉन्ग टर्म एक ऋण वित्तीय सुविधा दी जाएगी, और ऐसे केसेस में इन्वेस्टमेंट के लिए जो पोस्ट हार्वेस्ट, जो कटाई के बाद पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, कम्युनिटी फार्मिंग इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, और इसको इंटरेस्ट सबवेंशन और फाइनेंशियल सपोर्ट के थ्रू इस स्कीम को चलाया जाएगा।
ड्यूरेशन इस स्कीम का 10 साल है, जो कि वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2029 के बीच होगा। इस स्कीम में 1,00,000 करोड़ रुपए वाकई बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से, जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ होती हैं, पैक्स बोलते हैं, या जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, या जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं FPOs, या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं फार्मर्स को, किसानों को सीधे, ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स को, और मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, स्टार्टअप्स को, इन सब को। ये सारे वो पक्ष हैं जिनको ये लोन देने की बात है, और सारे जो लोन इसके अंतर्गत होंगे, ऑल द लोन्स अंडर दिस फाइनेंसिंग फैसिलिटी, दे विल हैव इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3% पर एनम। छूट जो है वो 3% पर एनम ही है, अप टू अ लिमिट ऑफ ₹2 करोड़। मैक्सिमम इसकी सीलिंग भी है 2 करोड़ रुपए तक, और ये जो सबवेंशन है ये अवेलेबल होगा 7 साल के लिए। इट विल बी अवेलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। तो ये एग्रीकल्चर रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है, इसको हम लोग यहाँ ज़रूर ज़रूर इसको ध्यान करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इंटरनेशनल इश्यूज प्लस ज्योग्राफी मिलाकर इथियोपिया को मैप करते हैं। इथियोपिया काफ़ी सुर्खियों में, ये पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन है इनफैक्ट। तो इथियोपिया को लेकर दो कथन है। पहला, इथियोपिया एक लैंडलॉक कंट्री है जो अपने बॉर्डर्स शेयर करता है सूडान के साथ, साउथ सूडान के साथ, केनिया और सोमालिया के साथ। तो एक तो इथियोपिया के नेबरिंग कंट्रीज़ को आपको मैप करना है कि कौन कौन से सही हैं। सेकंड, इथियोपिया ने रिसेंटली डिसाइड किया है, डिक्लेयर किया है वॉर विद इट्स एनिमी स्टेट इरिट्रिया। इथियोपिया इरिट्रिया के बीच काफ़ी झगड़ा है, वो मुद्दा भी कभी पढ़ेंगे, बट अभी रीसेंट टाइम्स में आपके एग्जामिनेशन ईयर में इथियोपिया ने इरिट्रिया के साथ वॉर को डिक्लेयर किया। दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट, आपको सही स्टेटमेंट इसमें बताना है। युवराज बी से शुरू करते हैं। बी, सिल्वर पेन डी कह रहे हैं, दीपक सी कह रहे हैं, अर्चना ए, प्रीति शुक्ला डी, पूजा डी। तो काफ़ी मत विविधता है, मत वैविध्य है। द ऑप्शंस आर क्वाइट डाइवर्स फ्रॉम बी टू डी टू ए टू सी। चलिए देखिएगा इसको। इथियोपिया एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्री है। कैपिटल इसकी एडिस अबाबा है, जिसका शाब्दिक अर्थ उनकी भाषा में है अ न्यू फ्लावर, और लोकेटेड है ऑलमोस्ट, कैपिटल जो एडिस अबाबा है ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ इथियोपिया में फोकस्ड है। इथियोपिया बेसिकली अगर नेबरहुड को देखें तो नॉर्थ साइड में, उत्तर दिशा में इरिट्रिया, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में जिबूती, सोमालिया ईस्ट में, और केनिया साउथ में है, साउथ सूडान, और सूडान इसके वेस्ट में आते हैं। तो ये सारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, इसको भी हमें देखना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट सही था। एबी अहमद, जो कि इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे अप्रैल 2018 में, ये पॉलिटिकल ऑपोजिशन जो था उसके साथ, मतलब विरोधियों के साथ अपने उन्होंने एक संवाद स्थापित किया, एंड ही बेसिकली अश्योर्ड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, देश में लोकतांत्रिक सुधारों को इन्होंने संचालित किया। इन्होंने कर्व करे जो प्रतिबंध लगे हुए थे मीडिया के ऊपर, और इन्होंने इरिट्रिया के साथ शांति स्थापित करी। वॉर नहीं डिक्लेयर किया है इन्होंने, शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण इनका योगदान है। तो ही हैज एस्टैब्लिश्ड पीस विद इरिट्रिया, और इसकी वजह से इनको नोबल पीस प्राइज भी 2019 में दिया गया था। एबी ने अभी जो इथियोपिया न्यूज़ में क्यों है, इरिट्रिया की वजह से नहीं, वहाँ तो शांति की बात इन्होंने करी थी, अभी जो न्यूज़ में था वो टिग्रे रीजन की वजह से। टिग्रे रीजन को भी मैप करा सकता है प्रिलिम्स में। ये एक क्षेत्र है टिग्रे क्षेत्र, जहाँ पर टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, ये विरोधी ग्रुप है, एक सशस्त्र विद्रोही समूह है, ये लोग लड़ रहे हैं ओवरऑल, ठीक है।
इनके साथ। अच्छा नॉट करेक्ट, तो ठीक है हम उसी हिसाब से इसको देखते हैं, नॉट करेक्ट है, ठीक बात। तो उत्तर उसी हिसाब से अभी आ जाएगा। हम इरिट्रिया के साथ जो स्टेटमेंट है वो गलत था, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो नॉट करेक्ट है तो उसको हम मार्क कर लेंगे। एबी ने टिग्रे रीजन में पूरी फुल फ्लेजेड वॉर एक तरह से वहाँ पर बेसिकली डिक्लेयर करी है, और बेसिकली टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ये समूह है जो ओवरऑल उसको एक तरह से ये उसका विचार है कि जो एबी की सरकार है वो उनके उनके समुदाय के हितों के लिए काम नहीं करती है। तो ये उनकी एक पीड़ा है, उनकी तकलीफ है, एंड ही वॉन्ट्स टू फाइट इट आउट। तो ये टिग्रे में बेसिकली इथियोपिया इज फेसिंग अ सॉर्ट ऑफ सिविल वॉर बिकॉज ऑफ यहाँ जो उनका टिग्रे में चल रहा है, तो इस बात को हम देख सकते हैं। इरिट्रिया एक स्वॉन एनिमी है TPLF का, और ये एक लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है टिग्रे रीजन के साथ। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। दोबारा सवाल पर आते हैं अगर, तो इथियोपिया इज़ अ लैंड लॉक कंट्री, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, हमको नॉट करेक्ट देखना था। तो कंट्री हैज़ रीसेंट, तो सेकेंड वन वॉज नॉट करेक्ट, तो आंसर इज बी, ठीक है, आंसर विल बी बी। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखिएगा, आंसर इज बी। चलिए अगला क्वेश्चन TFAC से रिलेटेड है, इसको देखिएगा। TFAC TFAC टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट एक काउंसिल है, एक परिषद है, एक इंस्टीट्यूशन है। इसकी कई रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस रखती हैं न्यूज़ वगैरह में। तो TFAC को लेकर दो स्टेटमेंट है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और दूसरा ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करती है। यू हैव टू मार्क द करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट आपको मार्क करना है। आंसर्स जो आ रहे हैं, फिर अगेन ममता ने शुरू करा है, सी सिल्वर पेन इज सेइंग डी, अजीत सी, अंकित सी, प्रीति शुक्ला सी। सी का मतलब है दोनों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं। देखते हैं और कोई जवाब। रोहित बी कह रहे हैं, बी का मतलब हुआ कि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है। अवनीश सी कह रहे हैं, दीपक बी कह रहे हैं, ज़्यादातर लोगों ने सी इसमें लगाया जो अनफॉर्चुनेटली गलत जवाब है। सी का मतलब है दोनों कथन आप सही मान रहे हैं जबकि पहला कथन इसमें सही नहीं है। TFAC कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जिसके पीछे कोई स्टैट्यूट हो, कोई कानून हो। TFAC को कोई स्टैट्यूट नहीं दिया गया। सेकेंड स्टेटमेंट जरूर सही है कि इट वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो सही है। देखिए TFAC ऑटोनोमस है, स्वायत्त शासी संस्था है, बट इट इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, 1988 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इसका मैंडेट है, इसका जो कामकाज करने का जो इसका एक आधार है वो ये है कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में, टेक्नोलॉजी के डोमेन में, इट इज अ काउंसिल विच शुड लुक फॉरवर्ड, उसको भविष्य के हिसाब से चीजों को देखना है। गुड इवनिंग चंद्रा। तो उसको टेक्नोलॉजी डोमेन में फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के साथ काम करना है, उसको टेक्नोलॉजी में जो ट्रेजेक्ट्रीज हैं उसको असेस करना है, इनोवेशन को सपोर्ट करना है थ्रू नेटवर्कड एक्शंस इन सिलेक्ट एरियाज ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस। एक टेक्नोलॉजी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि अब इसको खाली एकेडमिक या प्योर रिसर्च डेवलपमेंट के हिसाब से टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर बात अब नहीं होती। TFAC जैसी संस्था जब टेक्नोलॉजी फ्यूचर के हिसाब से देख रही है तो सीधे ये आ रहा है कि इस कंट्री के लिए वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप अगर नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह के डेवलपमेंट को भी पढ़ेंगे तो यू विल कम अक्रॉस सच थिंग्स कि इन सारे डोमेन्स में ये एक फैक्टर है कि कैसे इस टेक्नोलॉजी को हम इस देश में उन करोड़ों लोगों को जिनको की ज़रूरत है उनके जीवन को बेहतर बनाना, हैव नॉट्स है ना, द वल्नरेबल सेक्शन, वो सबसे बड़ा एक इम्पेटस है
जैसे एक सपोज ड्रिंकिंग वाटर, पीने योग्य पानी। यहाँ पे जो शहरों में बड़े बड़े दिल्ली और नोएडा और बाकी सब शहरों में जो नल में पानी आ रहा है वही पीने लायक नहीं है। अगर आप RO या ये सब चीज़ें ना करें तो इट्स लाइक इम्पॉसिबल टू ड्रिंक दैट वाटर। तो आप सोचिए बाकी जो इन्हीं महानगरों में, जो झुग्गी झोपड़ियों में या छोटे शहरों में क्या हालत होगी। क्या नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो फिल्ट्रेशन के थ्रू क्या इस नेशनल चैलेंज को क्या काउंटर कर सकती है? ये सारे एस्पेक्ट्स हैं। टेक्नोलॉजी को अब उस तरह से फोर्सी किया जा रहा है एंड दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। और उसके लिए TFAC जैसी संस्था, नीति आयोग जैसे जो ऑप्शंस हैं वो उसके लिए काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए इकोनॉमी के एक छोटे से इन्फ्लेशन के इशू पर दो बहुत बेसिक स्टेटमेंट्स हैं, कोशिश करिए सही करने की। इन्फ्लेशन को केंद्र में रखकर इन्फ्लेशन को अगर आप समझते हैं तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट है इन्फ्लेशन बेसिकली दिखाता है, उसको प्रदर्शित सिग्निफाई करता है कि परचेजिंग पावर, जो करेंसी की जो क्रय क्षमता है, परचेजिंग पावर है, वो डिक्रीज, इट हैज रिड्यूस्ड, कम हो गई है। पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट, इन्फ्लेशन किसी भी तरह का हो वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता। दो स्टेटमेंट्स हैं, आपको सही गलत इसमें देखना है। और नितेश ने बात शुरू करी है ए के साथ, ममता भी ये कह रही हैं, युवराज भी ये कह रहे हैं, सिल्वर भी ये कह रहे हैं, और जवाबों का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। यानी सब लोग सेकेंड स्टेटमेंट से ना इत्तफाकी रख रहे हैं, है ना? यू गाइज आर नॉट हैप्पी विद द सेकेंड स्टेटमेंट कि ये नहीं माना जा सकता कि इन्फ्लेशन हमेशा बुरा ही होता है, कैसा भी हो देश के अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं होता, इसको आप मानने को तैयार नहीं है। और लगभग सभी ने ए जवाब दिया है, दैट इज़ वेरी गुड। आप इन्फ्लेशन को समझते हैं इसका मतलब। देखिएगा इन्फ्लेशन का मतलब क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब है अधिकतर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि, है ना? जो सामान्य दैनंदिन के जीवन में जो हमारे उपयोग की होती हैं, कॉमन यूज़ हैं, जैसे फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, रिक्रिएशन, ट्रांसपोर्ट वगैरह वगैरह। इसमें एवरेज प्राइस चेंज को मेजर किया जाता है, एवरेज प्राइस चेंज को मेजर किया जाता है, जो कि एक सर्टेन बास्केट है, एक वस्तुओं और सेवाओं को कुछ एक उनकी बास्केट बना दी, उनका समूह बना दिया, और उनके प्राइस में एक निश्चित समयांतराल में जो बदलाव आ रहा है उसको इन्फ्लेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है कि उस समय की तुलना में अब ये इतना ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन का पूरा एक स्वरूप है। ये बेसिकली एक संकेत है, इंडिकेशन है कि परचेजिंग पावर जो करेंसी की है उस देश के, उसमें इतनी कमी आ गई है। तो इन्फ्लेशन को डायरेक्टली आप कोरिलेट कर सकते हैं कि उस देश की मुद्रा में जो उसकी क्रय क्षमता थी, परचेजिंग पावर, उसमें इतना कमी आ चुकी है। तो ये तो सीधा सीधा इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, सब लोग आप जानते हैं। अब दूसरा जो पक्ष था कि डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ड्यू टू इन्फ्लेशन कुड लीड टू अ डिसेलरेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये एक और स्टेटमेंट देखिए आगे बन सकता है। क्या इन्फ्लेशन अपनी मूल प्रकृति में, अपने मूल नेचर में, क्या देश में ग्रोथ को डिसेलरेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी इज गोइंग डाउन, है ना? इट कैन लीड टू दिस। लेकिन ये भी सच है कि एक संतुलित लेवल पर, मॉडरेट लेवल पर इन्फ्लेशन बना रहे किसी इकोनॉमी में वो भी जरूरी है। अब सोचिए जापान जैसा देश तो उसके लिए आदर्श है, वो मनाता होगा भगवान से कि भाई इन्फ्लेशन आ जाए हमारे देश में। तो इन्फ्लेशन एक तरह से बॉयंसी, जो प्रत्यास्थता आपकी इकोनॉमी में है, उसको भी प्रदर्शित करता है। तो ऐसे में एक मॉडरेट लेवल इन्फ्लेशन का दैट इज ऑल्सो नीडेड। तो ये कहना कि इन्फ्लेशन जब भी होगा गलती होगा, ये ठीक नहीं है। इसको अर्थव्यवस्था में गतिशीलता, गत्यात्मकता का भी एक संकेत के तौर पर आपको देखना चाहिए। ठीक है,
सो माइल्ड इन्फ्लेशन को अर्थव्यवस्था में बड़ा प्रचलित शब्द है, ग्रीसिंग द व्हील्स ऑफ कॉमर्स। तो कॉमर्स वाणिज्य चलता रहे तो आपको थोड़ा सा ग्रीसिंग पहियों में चाहिए, और वो ग्रीसिंग का काम इन्फ्लेशन करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं था। चलो इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। वल्चर एक्शन प्लान 2020 से 25 के बीच जो लॉन्च हुआ, इसका उद्देश्य है डाइक्लोफिनैक नाम का एक केमिकल है, उसके उपयोग को मिनिमाइज करना, टू मिनिमाइज द यूज ऑफ डाइक्लोफिनैक। सेकेंड स्टेटमेंट है, सारी स्पीशीज वल्चर्स की इंडिया में, सारी प्रजातियां, वो सब की सब क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। ये दूसरा स्टेटमेंट है, आपको सही गलत का चुनाव करना है। क्या वल्चर एक्शन प्लान में डाइक्लोफिनैक के यूज को मिनिमाइज करने का कोई संकल्प है, और क्या सारी प्रजातियां वल्चर्स की हिंदुस्तान में क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गई हैं? दोनों बिंदुओं पर आपको बताना है। युवराज ने फिर बात को ए से शुरू किया, पूजा भी ये कह रही है, अवनीश सी कह रहे हैं, अर्चना डी, ओम प्रकाश ए, प्रीति शुक्ला ए, सिविलपुर सी, महेंद्र ए, ममता डी, अंकित ए, दीपक सी। तो ज़्यादातर लोगों ने ए बोला है, बट सी और डी के भी समर्थक लोग हैं, जो गलत है। आंसर इसका ए ही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑल, एवरी, नन, ये सब जब भी शब्द आए तो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि थोड़ा सतर्क होकर उसको देखिएगा। देखते हैं इसको। तो अभी हालिया समय में जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है, उसने एक वल्चर एक्शन प्लान लॉन्च किया 2020 से 25 के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एकेडमिक ईयर में लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो एक वल्चर एक्शन प्लान 2020 से 25 के लिए, जिसमें वल्चर्स को, गिद्ध, इनको देश में संरक्षित करना, उनको कंजर्व करने के ऊपर एक रणनीतिक पूरा व्यूह तंत्र है। ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनमें यह है कि डाइक्लोफिनैक जो सबसे बड़ा दुश्मन रहा है वल्चर्स का इंडिया में और बाकी जगह भी जहाँ जहाँ यूज़ होता था, उसके यूज़ को मिनिमाइज किया जा सके, और टू प्रिवेंट द पॉइजनिंग ऑफ द प्रिंसिपल फूड ऑफ वल्चर्स, जो कि ये जानवरों के जो कंकाल होते थे, ये इसको वल्चर्स सबसे ज़्यादा उनका वो आहार था, तो उसमें पॉइजनिंग ना हो, ठीक है। तो इसके लिए मिलजुल कर एनसैट जैसी संस्था भी इसमें काम कर रही है और करेगी, और इसको रेगुलेट करने की बात हो रही है। और ये पॉइजन इसी वजह से होते हैं क्योंकि ये पेस्टिसाइड वगैरह में यूज़ होता है, उसके बाद ये जो जानवर हैं वो उसको खाते हैं, तो उनके कैरकस में ये होता है और ये पॉइजन की तरह काम करता है। तो ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। 1990 से 2007 के बीच जो हम कह सकते हैं कि तीन जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, उसमें है ओरिएंटल वाइट बैग्ड, लॉन्ग बिल्ड और स्लेंडर बिल्ड वल्चर। एक क्वेश्चन उस तरह से आ सकता है आपसे कि ओरिएंटल वाइट बैग्ड, लॉन्ग बिल्ड और स्लेंडर बिल्ड, ये किस एनिमल की स्पीशीज हैं? तो ये वल्चर स्पीशीज हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये बेसिकली 99% तक ये स्पीशीज वाइप्ड आउट हो गई थी, है ना। तो ये 1990 से 2007 के बीच की बात है। रेड हेडेड वल्चर्स, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, जो कि अब 91% तक डिक्लाइन हो चुके हैं। लेकिन इजिप्शियन वल्चर्स, ये 80% इनकी संख्या में कमी आई है, बट इंडियन ग्रिफॉन वल्चर्स और हिमालयन ग्रिफॉन, सिनेरियोस वल्चर और बियर्डेड वल्चर या लैमर गियर भी इसको कहते हैं, ये नियर थ्रेटेंड है। तो ये सारी स्पीशीज आपके सामने आ गई वल्चर्स की, इनके नाम वाम ध्यान रखिए, और ये भी ध्यान रखिए कि सारी वल्चर स्पीशीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, सब अलग अलग लेवल पर आपको दिखेंगे। इसमें कई नियर थ्रेटेंड हैं और बाकी आपको क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी दिखेंगी। तो दैट वॉज एवरीथिंग अबाउट दिस। यूनेस्को
और ग्लोबल जियो पार्क्स की संकल्पना है। यूनेस्को के ग्लोबल जियो पार्क्स को लेकर तीन स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, आपको करेक्ट कोड्स इसमें आंसर्स मार्क करने हैं। ग्लोबल जियो पार्क्स ये क्या है? पहला स्टेटमेंट है कि इनके थ्रू इंटरनेशनल रिकॉग्निशन कुछ साइट्स को दी जाती है और प्रमोट किया जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द अर्थ जियो डाइवर्सिटी। तो जियो डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए ये कुछ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन वाले कुछ ग्लोबल जियो पार्क्स होते हैं, एक ये पक्ष हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क स्टेटस का ये मतलब नहीं है, इट डज नॉट इम्प्लाई रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी ये जो जियो पार्क्स होते हैं इसके अंदर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर किसी तरह की कोई रोक वोक नहीं होती है। थर्ड स्टेटमेंट इज इंडिया डज नॉट हैव एनी यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क। इंडिया में कोई ऐसी जियो पार्क की संकल्पना नहीं है, ये भी एक आस्पेक्ट है। आपको करेक्ट आंसर कोड्स इसमें बताने हैं, बताइए। अवनीश ने शुरू किया ए के साथ, अवनीश ने ए के साथ मामला शुरू किया है। गुड इवनिंग नवदीप। अर्चना ए, अंकित सी, प्रीति शुक्ला ए, ओम प्रकाश सी, आदित्य के पी सी, सिल्वर पेन ने रिट्रैक्ट कर लिया, नीरज ए, दीपक ए, ममता सी, महेंद्र यादव सी, सिल्वर पेन सी, सब लोग ज़्यादातर लोग सी कह रहे हैं। सेकेंड स्टेटमेंट ओवरऑल ज़्यादातर लोगों को गलत लग रहा है, अपनी सूचना को पुष्ट करिएगा, तीनों कथन सही है। ठीक है, तीनों कथन सही है। कभी कभी कोई चीज़ जो लगती है ठीक होगी पर होती नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन है आपके साथ। तो यूनेस्को का जो ये ग्लोबल जियो पार्क का कॉन्सेप्ट है, ये इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देता है कुछ साइट्स को और ये प्रमोट करता है इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द अर्थ जियो डाइवर्सिटी थ्रू एक्टिवली एंगेजिंग विद द लोकल, स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर जो जियो डाइवर्सिटी है अर्थ की उसको सपोर्ट करना, ये यूनेस्को के इस प्रयत्न का उद्देश्य है। ग्लोबल जियो पार्क्स का ये ऑब्जेक्टिव है। 161 यूनेस्को के ग्लोबल जियो पार्क्स हैं जो कि 44 देशों में फैले हुए हैं। इंडिया में कोई भी ग्लोबल जियो पार्क नहीं है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही था। सुनने में खराब लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है भारत में नहीं होगा, बट ऐसा सही है। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क स्टेटस का ये मतलब नहीं है, इट डज नॉट इम्प्लाई कि यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शंस होंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी पर, तो ऐसा कुछ नहीं होता। और ये बेसिकली जो इंडिजिनस लोकल जो रीजनल लेजिस्लेशन हैं इसके थ्रू कोशिश होती है कि जियो डाइवर्सिटी को खाली प्रमोट किया जा सके। तो ये पूरा मसला था। हेल्थ पर आते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, हाय स्वामी, हेलो, गुड इवनिंग, ट्राई टू कम ऑन टाइम। ठीक है, वी शुड मेंटेन बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू पीपल बट डिसिप्लिन्ड वन, तो टाइम पर आइए, 40-45 मिनट का काम होता है, आकर कुछ अच्छे चीज़ें सीख कर जाइए। कुछ जा नहीं रहा है आपका दिन में, इतना टाइम तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों में व्यर्थ कमाते हैं। तो आपने पढ़ा हो तो अपनी जानकारी को असेस कर लीजिए, ना पढ़ा हो तो सीख लीजिए। ठीक है, ये सवाल है कि ट्यूबरकुलोसिस से लड़ने के लिए नीचे चार विकल्प दिए हुए हैं, देर आर फोर ऑप्शंस यू हैव टू सिलेक्ट, कि इनमें से कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो लॉन्च किए गए टीबी से, टीबी को फाइट करने के लिए। निक्षय, निक्षय इकोसिस्टम, निक्षय पोषण योजना, सक्षम प्रोजेक्ट और नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। विच ऑफ दीज प्रोग्राम्स दे हैव बीन लॉन्च्ड टू फाइट ट्यूबरकुलोसिस इन इंडिया? अंकित ने शायद बात शुरू करी है या स्वामी ने शायद, क्वेश्चन नंबर ऑलवेज राइट अ क्वेश्चन नंबर, आई थिंक स्वामी हैज स्टार्टेड द डिबेट, या उससे पहले ममता ने भी लिखा है, सागर ने शायद क्वेश्चन नंबर गलत लिख दिया। ए सी ए डी डी, अर्चना सिंह ए, आदित्य के पी डी, प्रीति शुक्ला सी, अवनीश ए, अजीत ए, रोहित डी, नितेश डी, सिल्वर पेन ए, नीरज डी, ओम प्रकाश ए, दीपक सी, पूजा डी, सागर एस डी। तो मोस्ट ऑफ यू आर
सॉरी, देयर वॉज सम टेक्निकल एरर. ठीक है, कैन यू सी मी, इज एवरीथिंग ऑल राइट? तो इसका आंसर डी है. ठीक है, ऑल दीज प्रोग्राम्स, ऑल दीज इनिशिएटिव्स, दे आर एब्सोल्यूटली फाइन विथ ट्यूबरकुलोसिस. ये सब ट्यूबरकुलोसिस के लिए क्या क्या ये प्रोग्राम्स हैं, अलग अलग क्वेश्चंस भी इसके ऊपर बन सकते हैं, उसको भी हम जल्दी से देखते हैं. तो अगर NTEP की बात करें, द बिगेस्ट इनिशिएटिव दैट इज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, इसको जो एम्बिशियस गोल है, प्रोग्राम जो था रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, RNTCP, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, उसके साथ इसको रीनेम करके नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम किया गया है. और एक तरह से नाम के साथ साथ थोड़ा सा इसका प्रोसीजरल एस्पेक्ट को भी, जो स्ट्रेटजी एस्पेक्ट है उसको भी बदला गया. तो ये तो है ही ट्यूबरकुलोसिस के लिए. एलिमिनेटिंग TB बाई 2025, ये एक और एम्बिशियस प्रोग्राम. इंडिया इज कमिटेड कि हम एलिमिनेट करेंगे ट्यूबरकुलोसिस को 2025 तक, और ग्लोबल टारगेट जो WHO ने सेटअप किया है वो है TB को 2030 तक एलिमिनेट करना. इंडिया उससे एम्बिशियस होकर 5 साल पहले ही कोशिश कर रहा है कि हम ट्यूबरकुलोसिस को 2025 तक एलिमिनेट करेंगे. दिस इज ऑल्सो वन प्रोग्राम. देन कम्स निक्षय इकोसिस्टम. ये एक नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इंफॉर्मेशन सिस्टम है. निक्षय इकोसिस्टम एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो कि माना गया कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा सारी इंफॉर्मेशन. ठीक है, पेशेंट्स की, उनकी मॉनिटरिंग, क्योंकि TB में सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, उनका मेडिकेशन शुरू होता है, बट वो इन बिटवीन, क्योंकि इसका लंबा मेडिकेशन होता है, तो दे ड्रॉप इन बिटवीन, और उसके बाद वो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है. वो और लोगों को इन्फेक्ट करेंगे, खुद भी उनका ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है रिस्पॉन्सिबल, वो और भी ढीट हो जाता है पूरी तरह. उसको मारोगे नहीं. ठीक है, फिल्मों में आपने पुरानी देखा होगा, विलेन को अगर आपने पूरी तरह मारा नहीं, आधा पिटाई करी फिर छोड़ दिया, और हीरो जैसे ही घूमता है तो विलेन उठ के गोली मार देता है. वही चीज़ है TB के साथ. इसको अगर पूरा आप कोर्स नहीं करेंगे तो दैट बैक्टीरिया विल बिकम इवन मोर डेडली. तो आप ड्रग रेजिस्टेंट जो TB की बात करते हैं, MDR TB वगैरह, वो सब प्रॉब्लम्स इसी वजह से होती हैं. तो उसको टैकल करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको निक्षय इकोसिस्टम के थ्रू किया जा रहा है. देन लास्ट वन इज निक्षय पोषण योजना. ये जो स्कीम है इसमें ओवरऑल फाइनेंशियल सपोर्ट TB के मरीजों को कि उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा किया जा सके, क्योंकि न्यूट्रिशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर इम्यून सिस्टम, न्यूट्रिशनल स्टेटस किसी पेशेंट का ठीक नहीं है, तो उसको ये डिजीज और भी ज्यादा इंपैक्ट करती है. तो दीज ऑल फोर प्रोग्राम से रिलेट टू TB. फ्यू मोर प्रोग्राम्स. TB हरेगा देश जीतेगा कैंपेन, इसको सितंबर 2019 में लॉन्च किया गया था, और ये हाईएस्ट लेवल पर कमिटमेंट है कि कैसे हम देश में TB को एलिमिनेट करेंगे. सक्षम प्रोजेक्ट, ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TISS का प्रोग्राम है, और इसमें साइको सोशल काउंसलिंग हो रही है. जो ड्रग रेजिस्टेंट TB पेशेंट्स हैं, जिनकी स्थिति खराब हो गई, दवाइयां जो TB की हैं वो उनके ऊपर काम नहीं कर रही, उनकी एक तरह से साइको सोशल काउंसलिंग के लिए सक्षम प्रोजेक्ट है. एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्टनर किया है ग्लोबल फंड के साथ टू लॉन्च जीत. जीत का मतलब है ज्वाइंट एफर्ट फॉर एलिमिनेशन ऑफ TB. ये सारे अलग अलग प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में स्कोप है एक लाइन के क्वेश्चन का, आपसे पूछ लेगा जीत किस इशू से रिलेटेड है. तो अगर पढ़ा है तो एक सेकंड में आ गए 2 नंबर, और नहीं पढ़ा है तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि फिर इसमें नीट और जीत और दुनिया भर के दिमाग में आपके आइडियाज आएंगे. सो बेटर कि इन सारी चीज़ों को हम कवर कर लें. तो ये जीत ज्वाइंट एफर्ट फॉर एलिमिनेशन ऑफ TB, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसको भी देखना चाहिए. ठीक है, तो ये प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट प्रोग्राम है, पूरी कंट्री में चल रहा है. चलिए, इस बार ये ध्यान रखिएगा कि डेकेडल जो सेंसस होता था, सेंसस है ना, तो ये सेंसस ईयर भी है 2021. अब कोविड की वजह से उसका स्वरूप और सारी चीज़ें
अलग तरीके से चलेंगी, डिले भी चलेगा, बट यू मे सी क्वेश्चंस ऑन सेंसस या एनपीआर जो बहुत न्यूज़ में रहे हैं, कंट्रोवर्सी में भी रहे हैं, तो उनमें से एक विषय मैं लाया हूँ, एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसको लेकर देर आर टू स्टेटमेंट्स। पहला, ये डेटाबेस होता है एनपीआर, जिसमें सारे नागरिक जो हैं, जो देश में रह रहे हैं लोग, नागरिक, उनको लिस्ट किया जाता है, उनकी सूची बनाई जाती है। हाँ जी, ठीक है, ठीक ममता जी, ठीक, आदेश करते रहिए, हम पालन करेंगे। सो एनपीआर में सारे सिटीजन रेजिडेंट्स के देश के, उनकी सूची बनाई जाती है। सेकंड स्टेटमेंट इज, एनपीआर एक प्रक्रिया है जिसमें जिसके जो नियम कानून है, क्या क्या होगा, मैकेनिज्म जो है, वो नागरिकता अधिनियम 1955 में सारे रूल्स को उसमें फ्रेम किया गया है। तो दीज आर द टू स्टेटमेंट्स, यू हैव टू मार्क द करेक्ट वंस, विच ऑफ दीज आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बताने। सब लोग, अवनीश को छोड़कर सब लोगों ने ए अब तक आई थिंक आंसर किया है। यस सागर, दैट इज ट्रू, गुड, यू आर कवरिंग ऑल द इश्यूज। ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में सारा मामला है। देखते हैं एनपीआर जैसे विषय पर, मंडे टू फ्राइडे आते हैं साहब, मंडे टू फ्राइडे 9 बजे आते हैं, बीच में एक आध दिन कभी कोई दिक्कत होती है तो नहीं भी होता है, बट मैं नॉलेज गली नाम से मेरा अपना YouTube चैनल है, तो उसको मैं उसके थ्रू, आइडेंटिटी वही है, मतलब मैं हूँ नॉलेज गली, जब आप देखते हैं तो मैं हूँ, तो अगर कभी कुछ भी इशू है तो मैं 8:57-58 तक मैं उसमें लिख देता हूँ कि आज क्लास नहीं हो पाएगा, सो दैट आप लोग परेशान ना हो, है ना, कहीं आना जाना तो है नहीं, है ना, तो आप गए YouTube पे, चैनल पे गए, देखा, मैसेज पढ़ लीजिए हमेशा लाइव चैट में, अगर मान लीजिए दिक्कत हो रही है, 1-2 मिनट 9:02-3 तक मैं नहीं आया, तो इसका मतलब है कोई समस्या होगी, तो आप वेस्ट मत करिए टाइम, और क्लास नहीं है मैं मेंशन कर देता हूँ, मैं रेयर केस में बता। चलिए देखिए एनपीआर को, सीखिए कुछ चीज़ें, इसमें गड़बड़ था मामला, पूरे अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको जाकर पुरानी क्लासेस भी देख सकते हैं, क्योंकि आई थिंक हम शायद अब 50 के करीब क्लासेस कर चुके हैं, बहुत टाइम से ये चल रहा है, बहुत सारे इश्यूज कर चुके हैं, तो इफ़ यू आर राइटिंग एग्जाम दिस ईयर, तो इफ यू फाइंड इट यूजफुल यू कैन गो बैक एंड ऑलवेज वॉच दोज क्लासेस। तो एनपीआर एक डेटाबेस है जिसमें सारे जो यूजुअल रेजिडेंट्स हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, एनपीआर में सिर्फ नागरिकों का लेखा जोखा नहीं है, ठीक है, पॉपुलेशन रजिस्टर है ना, सिटीजन रजिस्टर थोड़ी ना है, पॉपुलेशन रजिस्टर है, और जो भी लोग इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, उनका एक डेटाबेस बनता है। कई लोग हैं जो सिटीजन नहीं हैं और वो भी रह रहे हैं, मतलब हो सकता है वो प्रोसेस में, हो सकता है इलीगल लोग हों, तो वही आइडेंटिफाई करना तो इसका पर्पस है। ऑब्जेक्टिव क्या है एनपीआर का, टू हैव अ कॉम्प्रीहेंसिव आइडेंटिटी डेटाबेस कि हमारे देश में कौन कौन लोग रह रहे हैं। अ यूजुअल रेजिडेंट फॉर द पर्पस ऑफ एनपीआर इज अ पर्सन हु हैज रिजाइडेड इन अ प्लेस फॉर 6 months और मोर, तो जो एक स्थान पर 6 महीने या ज्यादा समय से रह रहा है या वहाँ 6 महीने और रहना चाहता है, उसका इरादा है वहाँ रहने का, ऐसे सब लोगों को इसमें ओवरऑल काउंट किया जाता है। एनपीआर पहली बार 2010 में ये प्रक्रिया हुई थी, आप जानते हैं चिदंबरम साहब थे तब, यूपीए की सरकार थी, और इसको 2015 में अपडेट किया गया था। ये सारे फैक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए, बिकॉज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में दे कैन बी पुट अप।
सेंसस जो होता है वो लीगली बैक्ड है, जो जनगणना होती है सेंसस वो लीगली बैक्ड है, क्योंकि देर इज अ सेंसस एक्ट, जनगणना अधिनियम है 1948 का। लेकिन एनपीआर एक मैकेनिज्म है जिसको आउटलाइन किया गया है डिफरेंट रूल्स में, जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में आते हैं। तो इसके पीछे कोई स्टैट्यूट डायरेक्ट नहीं है, इसके रूल्स वगैरह को यहाँ पर करा गया है। तो स्टेटमेंट टू वॉज ऑल्सो टू इज करेक्ट। तो ये सारा एनपीआर को लेकर सारा डेवलपमेंट था, उसको आप देख सकते हैं। मैं कराता हूँ प्लेलिस्ट के, बोल दिया है प्लेलिस्ट के लिए, वो अपडेट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, इसको ध्यान से करिए। विलो वॉबलर, विलो वॉबलर उसको लेकर स्टेटमेंट्स हैं। पहली चीज कि विलो वॉबलर ये जो भी है स्पीशी, इसका नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक जो इसका आवास ग्रह है, वो अमेजॉन वनों में पाया जाता है। और दूसरा एस्पेक्ट है कि आईयूसीएन की रेड लिस्ट में, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में विलो वॉबलर का जो स्टेटस है वो है लीस्ट कंसर्न, यानी कोई खतरा ज़्यादा नहीं है। लीस्ट कंसर्न आप जानते हैं, दे आर स्पीशीज जिनको लेकर कोई बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। नई एजुकेशन, अब पीडीएफ वीडीएफ नहीं मिलती है भाई, हम लोग थोड़ा इसको अब सहेज के क्या रखना, क्योंकि तो पीडीएफ में ना फिर बहुत सारे इश्यूज हैं, उसका मिसयूज होते हैं, ये सब जो भी है स्क्रीनशॉट वगैरह, अगर आपको लगता है एक बार रिवाइज करना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीडीएफ वाले धंधे में भैया नहीं है हम, कोई टेलीग्राम चैनल बनाओ और ये सब करो, वो सब काम नहीं है अपने पास, ठीक है। ईमानदारी से पढ़ना पढ़ाना है तो उसके लिए विकल्प है। युवराज सिंह चौहान ए से शुरू कर रहे हैं, सागर सिंह सी, नीरज सिंह सी, अवनीश सिंह सी, अजीत ऑल्सो सी, सिल्वर पेन डी, अर्चना ए, आदित्य सी, दीपक सी, प्रीति शुक्ला सी, अंकित ए, अमित कुमार सा ए, पूजा सी, रोहित सी। तो ज़्यादातर लोगों ने दोनों स्टेटमेंट्स को इसमें सही बोला है और कुछ लोगों ने फिर ए बोला है, और दुर्भाग्य है कि ये गलत है। तो इस सवाल को सीखिएगा। ये देखिए, हिंदू में इसको बाकायदा इस न्यूज़ को पूरा लिया गया था। विलो वॉबलर ये सुंदर सी चिड़िया है आपके सामने, और देश में पहली बार, फर्स्ट टाइम इसको इंडिया में साइट किया गया, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखेंगे तो हमेशा हिंदू से, हिंदू के न्यूज़ इनपुट से, वो इसीलिए हिंदू इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट प्रीलिम्स के लिए हिंदू ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी सबसे, अगर हम थोड़ा वैचारिक मुद्दे को छोड़ दें तो सबसे ज़्यादा एक तरह से इंडिया में वेल डॉक्यूमेंटेड कवरेज जो है वो तो है ही हिंदू का। मेंस के हिसाब से इंडियन एक्सप्रेस इज इमर्जिंग बेटर, क्योंकि उसमें वो एक्सप्लेन्ड सीरीज वगैरह आती है, तो और कवरेज उनका थोड़ा ब्रॉड है, ठीक है। तो ये सारी बातें, हर साल आएगा, हर साल आएगा सागर। अब उनको इन्हीं सबसे सवाल बनाने हैं, उनके लिए कोई अलग दुनिया थोड़ी ना है। हम कवरेज पूरा नहीं कर पाते इसलिए वहां फंस जाते। चलिए देखिएगा इसको कहाँ गलती करी। तो केरला में पंचकारी पेडी फील्ड्स, जो धान के कुछ फील्ड्स थे पंचकारी में, केरला में वहां पे पहली बार इसको साइट किया गया, विलो वॉबलर को। और ये पूरा इनका जो ब्रीडिंग है वो नॉर्दर्न और टेम्परेट यूरोप में और पहली आर्कटिक में इनको देखा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट क्वेश्चन का जो था कि अमेजॉन फॉरेस्ट इनका नेचुरल हैबिटेट है, वो सही नहीं है, दैट वाज नॉट करेक्ट। इसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो है नॉर्दर्न और टेम्परेट यूरोप और आर्कटिक रीजन, और ये माइग्रेट करते हैं सब सहारन अफ्रीका में, जब जाड़ों की शुरुआत वहां पर होती है उस समय पर। ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माइग्रेटिंग स्मॉल बर्ड्स है, ठीक है, लॉन्गेस्ट जो माइग्रेट करती हैं छोटी बर्ड्स में, स्मॉल बर्ड्स में। बाकी जो बिगर बर्ड्स हैं उनका माइग्रेशन वो ज़्यादा बड़ा होता है, बट स्मॉल बर्ड्स में सबसे ज़्यादा दूरी तक माइग्रेट करने वाली ये बर्ड्स हैं। बर्ड का वेट अराउंड 10 ग्राम्स, और इसका जो लॉन्ग विंग फेदर्स हैं इसकी वजह से ये बहुत लंबी दूरी तक फ्लाई कर सकती हैं।
ये जो स्पीशीज़ हैं ये अफेक्ट हो रही हैं ड्रॉट कंडीशंस और जो विंटरिंग क्वार्टर्स हैं, हैबिटेट ऑल्टरेशंस जो हो रहे हैं, इन इन सब की वजह से इनके अस्तित्व पर थोड़ा सा खतरा उठ रहा है। IUCN की रेड लिस्ट में अगर देखें तो ये वाकई लीस्ट कंसर्न में आती है, यानी इनकी इमीडिएट कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है इनकी पॉपुलेशन वगैरह को लेकर। तो ये सारे मुद्दे थे, आज फिर एग्जैक्टली टाइम पर हम बात को रोकते हैं। अब मंडे को मिलेंगे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे है तो आज फ्राइडे था, तो मंडे को मिलेंगे 9 बजे और कुछ और विषयों पर हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और पढ़ते रहिए और जागते रहिए और जगाते रहिए, ठीक है। सो बी फोकस्ड एंड ट्राई टू कवर एज मच टॉपिक्स एज यू कैन सो दैट प्रीलिम्स में आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू ऑन मंडे।